गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, येस्टरडे वी हैव डन आवर फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 बाई कमला दास। उस स्टैंजा में हमने पढ़ा कि कवित्री अपनी माँ के साथ कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही है, उसकी माँ उसे सी ऑफ करने जा रही है, लेकिन जब वह उसकी माँ की साइड देखती है तो बहुत बीमार और बूढ़ी प्रतीत होती है, उसे बहुत दुख होता है। वह कार के बाहर खिड़की से देखती है तो उसे जवान ट्रिप में पीछे भागते हुए दिखाई देते हैं और बच्चे घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। वह उसका कंपैरिजन करती है अपनी माँ के साथ जो कि बहुत ज्यादा बीमार दिखाई दे रही है। अब आगे नेक्स्ट स्टैंजा, स्टैंजा टू। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब वह एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं तो लेखिका कहती है कि एयरपोर्ट्स के सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, उस कुछ गज की दूरी पर खड़े हुए, यार्ड्स मीन्स गज, कुछ गज की दूरी पर खड़े हुए, आई लुक्ड अगेन, मैंने दोबारा देखा, एट हर वैन पेल, उसके पीले मुंह की तरफ जो कि बहुत थका हुआ प्रतीत हो रहा था क्योंकि पेल मतलब पीला पड़ चुका और वैन मीन्स थका हुआ, उसके पीले पड़ चुके और थके हुए मुंह की तरफ देखकर मैंने दोबारा मुड़कर देखा, एज ए लेट विंटर्स मून, एक सर्दियों के चांद की तरह दिखाई दे रहा था, क्योंकि जब सर्दियां होती हैं विंटर्स में, जब रात को चांद बहुत देर हो जाती है तो चांद मुरझाया हुआ और सिकुड़ा हुआ दिखाई देता है, सिकुड़ा हुआ और श्रिंक सा लगता है, उसमें कोई भी चमक नहीं रहती, तो इसी तरह से मेरी माँ का मुंह दिखाई दे रहा था जैसे कि देर रात सर्दियों का चांद होता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और फिर मैंने महसूस किया वही जाना पहचाना दर्द जो कि माई चाइल्डहुड फियर, जो मेरे बचपन का डर है। एंड बट ऑल आई सैड, लेकिन मैंने मेरी माँ से कुछ नहीं कहा क्योंकि लेखिका अपनी माँ को यह शो नहीं करना। बट ऑल आई सैड वाज, लेकिन मैंने इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा दोबारा मिलते हैं। एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैंने इतना ही किया जो भी किया कि बस मैं मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराई। इट मीन्स दैट पोएटस डिड नॉट वॉन्ट टू शो हर अम्मा दैट शी इज सैड, लेखिका नहीं चाहती कि उसकी माँ यह महसूस करे कि वह उदास है उसे देखकर, और वह उसे खुशी खुशी विदा करना चाहती थी।